तो आज हमने ये टी टाइम चाट पापड़ी भी कह सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं। और ये देखिए दो तरीके के स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं, बहुत जरा सी समय में बहुत फटाफट ये बनकर तैयार हो सकती है। आप इसको स्टोर करके भी ये देखते हैं इसको कैसे बनाना है। चलते हैं किचन में। बाजार का नाश्ता हम सबको लाना पड़ता है, नाश्ता कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम लोगों को नाश्ता खाना पड़ता है। नाश्ता कभी कभी होता क्या है कि घर में कुछ भी नाश्ता नहीं होता, अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम उनके सामने क्या सर्व करें। तो हम आज आपके साथ बहुत इजी तरीके से पापड़ी चाट, आप इसको चाट पापड़ी भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी मैदा लिया था और ये पौन कटोरी सूजी ली है। सूजी मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने इसमें डालने के लिए ये मसाले लिए, हींग ली है, नमक लिया है और अजवाइन लिए। इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमने थोड़ा सा तेल लिया है, वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ों को खूब अच्छे पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाला, अगर आप हरा धनिया डालना चाहते हो तो धनिया डालने से होता क्या है कि हमारा जो स्नैक्स है वो देखने में सुंदर लगेगा, इसलिए हमने डाला। आप चाहे तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए डो हमारा लगकर तैयार हो गया। अब हम इसको 10 मिनट या रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है ना, तो सूजी अच्छे से फूलेगी। ये देखिए आप अभी देख सकते हैं कि हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। और हाँ दोस्तों, हम आपको प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और प्लस प्लस, और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान आसान रेसिपी लाते रहते हैं, रेस्ट करने के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसका आटा हमने सेट करने के लिए रखा था, हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको फिर हथेली से खूब अच्छे से, ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया। और अब हम इसको खूब पतला सा बेल लेंगे, क्योंकि मठरी थोड़ी मोटी होती है और पापड़ी जो होती है वो थोड़ी पतली होती, इसलिए हम इसको खूब पतला सा बेलेंगे। पहले छोटे छोटे चाकू से होल कर लेंगे पूरी मठरी में, जो हमने बेल के लोई तैयार करी है पूरी में होल कर लेंगे, ताकि हमारी जो पापड़ी बना रहे हैं वो फूले नहीं। और हाँ दोस्तों, इसको बनाना बहुत आसान है, इसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप सफर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बच्चों के टाइम को कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूख में देना होता है, तब भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हमने इस तरीके का एक कुकी कटर लिया है, इनको हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी लोई कट करके तैयार कर लेंगे। अब बचा हुआ पार्ट हम उसमें फिर से मिक्स कर देंगे, इसको हम आगे यूज कर लेंगे। हमारी कट कर तैयार हो गई। अब हमने गैस पर फ्लेम की पर कढ़ाई पहले से चढ़ा रखी थी, अब हम इसको मीडियम टू लो गैस पर धीमी धीमी गैस पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे हम डाल देंगे। और हाँ दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन पर प्लस, और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान आसान रेसिपी डेली लाते रहते हैं। अब हम इसको मीडियम टू लो गैस पर फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना एक बैच सीखने के लिए छोड़ा था, हमारा एक बैच सीख गया। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमने ये उसी तरीके से दूसरा बैच भी बेल कर तैयार कर लिया। दोस्तों, एक जरूरी टिप्स, इस तरीके की पापड़ी मठरी आप जब बनाए तो पहले लोई को बेल ले, उसके अंदर होल कर ले, चाकू से गोद ले, उसके बाद आप इसको कट करिएगा, वरना आपको एक एक कट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारी पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी कुरकुरी बन गई है। ये देखिए अब हम आपके साथ एक ही लोई से दो स्नैक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको लंबे लंबे स्टिक्स में काट लेंगे
जो स्टिक्स बीच में चौड़ी हो गई उसको हम और पतला कर देंगे। हम और हम एक कट हमने इस तरीके से लगाया है, दूसरा कट हम इस तरीके से लगाएंगे। लंबी लंबी नमक पारे बना के तैयार करेंगे। इसको कुछ लोग साके भी बोलते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको कट करके रेडी कर लिया। हमारे कट गए थे, इसको हमने फ्राई करने के लिए छोड़ा है। दोस्तों आप एक बार इसको जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको हम फिर से याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन पर प्रेस, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी कुरकुरा मीडियम टू लो गैस पे फ्राई कर लेंगे। तो है ना, देखिए एक कटोरी सूजी मैदे से हमारा कितना सारा स्नैक्स बनके तैयार हो गया। तो हमने दूसरे अपने जो स्नैक्स डाले हैं उसके लिए हम आपके साथ एक टिप्स शेयर करेंगे। जब ये हम स्नैक्स अपने कढ़ाई में डालें तो जब हम लोग काट के प्लेट में रखते हैं ना, तो ये आपस में चिपके हुए होते हैं। और तेल में बहुत सावधानी से डालें और इसको इस तरीके से स्टेयर करते जाए ताकि हमारे जो स्नैक्स है वो खिल जाए और अलग अलग हो जाए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारे ये वाले स्नैक्स बनके ये भी एक घन तैयार हो गया। ये देखिए हमारी मछली भी कितनी, पापड़ी कितनी खस्ता बनी है। हम इसको आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको एक बार आप बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। चाय के साथ कुछ भी गर्मा गर्म खाने का मन हो, बस आप निकालिए और इसका एंजॉय कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। तो आप इसको बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये वाले स्नैक्स हमारे देखिए आप, ये भी हमारे बहुत खस्ता कर बनकर तैयार होंगे। देखिए तो दोस्तों, इसको जरूर एक बार बनाइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।